तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक होगा, ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। मतलब ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सबसे पहले दो तीन प्रिपरेशन मेथड इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ कैसे प्रिपेयर की जाती है। प्रिपरेशन मेथड्स, तो देखो पहली ये है कि ऑक्सीजन को लैब में जो बनाया जाता है वो KClO3 को लिया जाता है, और इसको डिकम्पोज किया जाता है MnO2 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है 2KCl+3O2 गैस। इस तरह से एक इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, ठीक है। कि यहाँ पर देखो ये -1 था, ये सॉरी प्लस वन प्लस कितने में था, देखो यहाँ पर 5 + 5 था, और यहाँ -1 में चला गया, है ना। ये -2 था और अब यहाँ 0 में चला गया। तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इस प्रोसेस में। तो एक तो ये रिएक्शन है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में, दूसरी होती है Ag2O के डिकम्पोजिशन से। तो Ag2O हो चाहे HgO हो, ये कम थर्मली स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, और ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, Ag2 4Ag+O2 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम HgO ले लें और इनको भी हीट कर रहे हैं, तो ये थर्मली कम स्टेबल होते हैं, और इसलिए ये ऑक्सीजन को लिब्रेट कर देते हैं। तो मरकरी का ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, या फिर PbO2 के डिकम्पोजिशन से ही बनता है, क्योंकि PbO2 उतना थर्मल स्टेबल नहीं है 4+ के कारण। तो यहाँ पर ये 4+ है, तो ये चेंज हो जाता है 2PbO2+ स्टेट में, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना लेता है, और इसलिए PB को भी हम डिकम्पोज करके इस तरह से बना सकते हैं। और भी है PB3O4 के डिकम्पोजिशन से, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी बनाया जाता है लार्ज स्केल पर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करा दी जाए, मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि ये है H2O, और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में Pt इलेक्ट्रोड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तब ये क्या होती है, 2H2+O, ये मिल जाता है हमें कहाँ, कैथोड में, और ये मिलता है कहाँ पे, एनोड में। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर की। और इसके अलावा अगर मान लो लार्ज स्केल में, तो एयर का कंडेंसेशन कराया जाता है, लिक्विफिकेशन कराया जाता है, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टेम्परेचर पर वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, 16, 17, 18, ठीक है। ये हैं 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें से 16 सबसे स्टेबल है, और यही सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होता भी है। दूसरा पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ O2 इन वाटर, तो ये होती है बच्चों 3.08, ठीक है, cm³/100 ml ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, विच इज जो कि एक सफिशियंट है, विच इज सफिशियंट फॉर
मैराइन वाटर या मैराइन लाइफ, समुद्री जीवन के लिए मैराइन, एंड एक्वेटिक लाइफ मतलब नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, उसमें जिंदगी होती है, और इतना उसके जीवों के लिए सफिशियंट है। हमारे लिए भी लगती है, बॉडी में ऑक्सीजन से ही सब कुछ चलता है, तो हमारे तो लंग्स डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू किसके कारण पता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे होते हैं पता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एम ओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। आप उनके डायग्राम में देख सकते हैं ऑक्सीजन के, कि अगर आप इसका मॉलिकुलर डायग्राम देखोगे तो जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी के कारण ये पैरामैग्नेटिक है। और चौथा पॉइंट है कि ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। लगभग सभी एलिमेंट के साथ ये ऑक्साइड बनाती है, चाहे वो इनर्ट एलिमेंट हों और चाहे किसी भी प्रकार के एलिमेंट, और जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्साइड्स का मतलब ये है एम मान लो, और ये है ओ टू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? टू एम ओ, जहाँ एम क्या होगा? डाईवेलेंट एलिमेंट है ना, कार्बन डाई, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से, जिनकी डाईवेलेंट और भी बनते हैं। तो ये तो ऑक्साइड हम हर एक ग्रुप में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, दूसरा जो है वो है ओजोन, O3। तो ओजोन जो होता है, देखो बच्चों, तो नेचुरली ओजोन होता है ना, और इसके अलावा आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। तो ओजोन हमारी जो एटमॉस्फियर में है उसमें मिलता है, और हमारी जो अर्थ सरफेस है उसको एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ यूवी से बचाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से लगभग ओजोन जो होता है O3 फाउंड एट, ठीक है, अगर हम पहले तो ये बता दूं कि ये कोई क्वेश्चन आता रहता है, पहले बता दूं कि O3 इज, ठीक है, या एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, कि O3 जो होता है वो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा होता है कि O3, ठीक है, प्रिवेंट्स एक्सेसिव एक्सपोजर, एक्सपोजर, सॉरी, प्रिवेंट है, सॉरी, प्रिवेंट्स, ठीक है, अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। हमारी अर्थ की सरफेस को अल्ट्रावायलेट से बचा के रखता है, ठीक है, और इसीलिए ओजोन लेयर के फॉर्म में मिलता है ये। तो इस तरह से हमारी एक प्रकार का रक्षी आवरण है अर्थ की। ठीक है, दूसरा तीसरा पॉइंट याद रखना है कि O3, ठीक है, आर्टिफिशियली अगर इसका प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ओजोनाइजर, एक प्रकार के अपरेटस होते हैं जिसके थ्रू इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ऐसे होता है O2 3O2, और लगभग 142 किलो जूल पर मूल एनर्जी लगती है जब ये, तो ये बन जाता है 2O3 ओजोन, इस तरह से, और लगभग ये 10% तक ही होता है। तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रिकल, और ये है यहाँ पर ओजोनाइजर यूज किए जाते हैं, ब्राडी ओजोनाइजर है ना, तो
तो यहाँ पर ओजोन जो है ऑक्सीजन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और इस तरह से ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ओजोन के बारे में। इसके अलावा अभी बता दें कि ओजोन जो होता है एक थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल है। तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि O3 लेस स्टेबल देन, ठीक है, O2। आप देख भी रहे हैं कि ओजू का O2 को जब हीट करते हैं तब O3 बन रही है, नहीं? तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो O3 होगी वो O2 से लेस थर्मली स्टेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा चौथा है कि O3, ठीक है, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजर एंड ब्लीचिंग एजेंट। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजर भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है। देखो क्यों है, क्योंकि ये O3 डिकम्पोज होता है O2+ क्या इसमें O, और फिर ये O किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे 2KI+O+H2O, तो ये लिबरेट कर देता है 2KOH+I2। तो अगर हम ये देखें कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 = इक्विवेलेंट ऑफ KI = इक्विवेलेंट ऑफ O3 इन सैंपल, इस मेथड से मतलब KI जो लिबरेट होती है, ठीक है, और KI के इक्विवेलेंट होंगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, तो हाइपो के इक्विवेलेंट मतलब जो आयोडीन निकल रही है उस आयोडीन को हाइपो से क्या किया जाता है, टाइट्रेट करते हैं। तो हाइपो के इक्विवेलेंट इक्वल टू आयोडीन के इक्विवेलेंट, आयोडीन के इक्विवेलेंट इक्वल टू द KI के, और KI के इक्विवेलेंट इक्वल टू द O3 सैंपल। तो इस तरह से हम आयोडीन का, सॉरी, इस तरह से O3 को हम किसी सैंपल से क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेटेड कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेशन की एक प्रोसेस भी होती है, ठीक है। एक होता है ओजोन, ठीक है, लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है बच्चों, डिप्लीशन मतलब यहां पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये डेप्लीट कर देते हैं, डेप्लीट्स ये O3 × O2। इसके अलावा सुपरसोनिक, सोनिक, ठीक है, जेट जो होते हैं, सुपर जेट शिप जो है या सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, उनसे जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें होता है NO, तो ये भी एक डिप्लीशन करता है, ठीक है, कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, विमान जो होते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है एग्जॉस्टिक, उसमें होता है NO। तो NO और CFC ये दोनों ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जैसे ही लाइट पड़ती है ना, तो ये चेंज हो जाता है CF2Cl, मतलब इस तरह से CF2Cl+Cl, और फिर ये O3 से मिलता है Cl, तो बनता है क्या, CLO यहां से, और प्लस ये क्या बन गया, O2। ये एक फ्री रेडिकल बन गया, और फिर CLO+O3 मिलके और बना देगा Cl+2O2। तो इस तरह से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है ये लाखों O3 को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, O2। और इस तरह से एक ओजोन लेयर डिप्लीशन चैन में चलता है। इसके अलावा मैंने एक ये बताया कि जो NO है ये भी बहुत ही खतरनाक है, तो ये बना देता है NO2 और प्लस क्या, O2। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो इस तरह से सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन जो होते हैं उनसे जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है उसमें NO होता है एक, ये और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं, ये दोनों मिलके ओजोन लेयर को डेप्लीट कर रहे हैं, मीन्स उसको नष्ट कर रहे हैं, तो इसको बोला गया है ओजोन लेयर डेप्लीशन। बाकी इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है,
अच्छा ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन तो मैं ओजोन की बता ही चुका हूँ। तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे ओजोन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इस तरह से, और तीसरा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसमें हम ये कहेंगे कि ना तो डबल बॉन्ड रह गया ना सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होता है। और ये जो लेंथ होती है 128 पिकोमीटर की, और जो एंगल होता है 117 डिग्री का। तो ये दो रेजोनेंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इस तरह से ओजोन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी। एक तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है और सी एफ सी और एनओ, दूसरा होता है इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे किया गया है, और जो है इसकी प्रॉपर्टी में दो तीन जो काम, बाकी चूंकि ये है नहीं हमारे सिलेबस के अनुसार तो हमें ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं लेनी है ना। फिर तीसरा मेंबर आ जाते हैं, और वो है क्या बच्चों, SO2। SO2 आप जानते हैं कि CuFeS2, अगर इसका कंबस्जन कराया जाता है ना पाइराइट बर्नर में, तो 11O2, तो ये बन जाता है 2C2O+4FeO+8SO2। तो इस तरह से ये बनाया जाता है SO2। इसके अलावा और भी है, सोडियम का सोडियम सल्फाइड को अगर लैब में Na2SO3 लें और इसमें H2SO4 मिला दें, तो भी बन जाएगा Na2SO4+H2O और प्लस क्या SO2। इस तरह से भी लैब में बनाया जाता है। अब आता है इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पहला होता है कि एक तो वाटर सॉल्यूबल है, हाईली वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल एंड फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड मींस SO2+H2O तो गिव्स H2SO4 इस तरह से। दूसरा ये होता है कि ये एक अच्छा ऑक्सी रिड्यूसर भी है, एक्ट एज रिड्यूसर, क्योंकि ये जो है Fe मतलब 4+ से 6+ में जा सकता है, और इसी के कारण ये एक अच्छा रिड्यूसर होता है। मीन्स हम ये कहें कि ये है SO2 और +2H2O, तो चेंज कर देगा ये क्या, यहाँ पर H2SO4 और प्लस ये 2H, यही रिड्यूसर है इस तरह से। और अपने आप को आप देख रहे हैं कि ये 4+ था और कितने में चेंज कर लिया, 6+। अब मान लो ये है Fe3+, ठीक है, तो यहाँ पर 2H ये आए और इसको चेंज कर देंगे Fe2+ में, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसको रिड्यूस कर देगा +2H+। ठीक इसी तरह से ये है MnO4 जो कि कलर्ड होता है पिंक कलर का, और अगर यहाँ 2H या H ये मिल जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम देखें कि इसका जो रिडक्शन होगा 5, तो यहाँ 5H+, तो ये चेंज हो जाएगा Mn2++, ठीक है। यहाँ पर हमारे चाहिए है कुल मिला के H+2, तो यहाँ पर 5H+3H+ एसिडिक मीडियम में, तो ये चेंज हो जाएगा Mn2++4H2, ये कैसा कर देगा इसको कलरलेस। तो ये क्वेश्चन मिलता भी है कि इनमें से SO2 MnO4 को डीकलराइज करेगा या नहीं, या मतलब कौन डीकलराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, कुल मिला के 8H+4H2O को इस तरह से रिमूव कर देते हैं। बाकी आपने देखा था कि सल्फ्यूरस है ना, तीसरी रिएक्शन में अगर देखें तो ये ठीक है, यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में भी यूज होता है। आपने देखा था कि SO2+O2 मिलके क्या बनाता है, SO3, और फिर H2O और प्लस SO3 मिलके क्या बना देते हैं, H2SO4।
अब चाहे वो लैट चैम्बर प्रोसेस हो, चाहे कॉन्टैक्ट SO2 को SO3 में और SO3 से H2SO4 का प्रिपरेशन किया जाता है। इसके अलावा जो है ये एक टेम्पररी जो है, ठीक है, क्या है बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। एंड जो ब्लीचिंग एक्शन है, ये तो हालांकि मैं बता चुका हूँ, ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, ऑफ SO2, कि SO2 के रिड्यूसिंग नेचर के कारण ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, टेम्प्रेरी ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो इस तरह से SO2 के बारे में इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। और लास्ट बचता है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, कि सल्फर के एलोट्रॉप्स में आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहला एलोट्रॉप है जो इसमें, ठीक है, वो है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, या इसी को बोलते हैं अल्फा सल्फर, ठीक है बच्चों। तो रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, ये जो है नेचुरली यही होता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ सल्फर, ये सल्फर का नेचुरल फॉर्म है, मतलब नेचुरली इसी फॉर्म में मिलता है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 385.8 केल्विन है ना, डेंसिटी की बात करें तो 2.06 ग्राम पर ml है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर में स्टेबल है, और इसमें जो है वाटर इंसॉल्यूबल होता है, वाटर इंसॉल्यूबल, ठीक है, बट सॉल्यूबल इन, बट हम ये कहें कि सॉल्यूबल इन CH2, ठीक है, कि CH2 में क्या है, ये सॉल्यूबल है। और इसके अलावा CH2 है, बेंजीन है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक बेंजीन है, CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है ड्यू टू मॉलिकुलर नेचर, ठीक है। एंड हम ये कहें कि एंड एग्जिस्ट एज S8 मॉलिकुलर फॉर्म, ये S8 मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, है ना। दूसरा जो होता है वो है मोनोक्लिनिक क्लिनिक सल्फर, या इसी को बोला जाता है कौन सा सल्फर, बीटा सल्फर। ये तो बच्चों ये नेचुरल फॉर्म नहीं है सल्फर का। अगर अल्फा सल्फर लिया जाए, ठीक है, और उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया जाए 393 केल्विन में, तो ये बीटा सल्फर, मतलब कौन सा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये बन जाता है। इस तरह से समझ लेना कि अल्फा सल्फर को इस केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो ये क्या होता है, इस तरह से, सॉरी, थ्री, ये है 369 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्या है बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी होगा। मतलब ये होता है कि अल्फा सल्फर, ठीक है, तो अल्फा सल्फर अगर हम कहें कि एग्जिस्ट, ठीक है, ब्लू कितने टेम्परेचर में है, तो इसका जो अल्फा, जो अल्फा सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है ब्लू 369 केल्विन, और जो बीटा सल्फर है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है अबव 369 केल्विन। तो इसका मतलब है कि ये एक क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, कि अल्फा जो है, अल्फा फॉर्म या अल्फा सल्फर, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है किसका, ब्लू 369 केल्विन, और बीटा सल्फर एग्जिस्ट करता है बच्चों अब 369 केल्विन। इसका मतलब है कि ये जो है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो और यहाँ देखें कि बोथ आर, ठीक है, एग्जिस्ट एज S8 एंड ऑल्सो S6 फॉर्म, और दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो S8 है वो इस तरह से क्राउन शेप स्ट्रक्चर दिखता है उसका,
मुक्ताकार। ये जो एंगल है 107 डिग्री का होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस है ना, ये 204 पिकोमीटर की होती है। तो ये एक क्राउन शेप होता है S8। इसके अलावा जो S6 है वो चेयर फॉर्म होता है, इस तरह से इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ का जो एंगल होता है ये 102 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है 205.7 पिकोमीटर, इस तरह से ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये बता दूं कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 डिग्री या केल्विन, सॉरी है ना केल्विन, सल्फर जो होता है ये हो जाता है फिर एग्जिस्ट एज S2 मॉलिकुलर फॉर्म एंड शोज पैरामैग्नेटिक नेचर लाइक O2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इन पाई स्टार MO एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, उनमें ये जो है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण S2 बिल्कुल ऑक्सीजन जैसा ही पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने लगता है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमें किस पे याद रखने हैं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कुल मिला के बच्चों मैंने आपका ऑक्सीजन ग्रुप भी पूरा अच्छे से करा दिया। एक बार इतना पढ़ लो, इससे बाहर नीट में नहीं आएगा। बस ये जो कह दिया मतलब कह दिया, और जो लिखा दिया इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत, ठीक है। फिर हम अगला जो मिलेंगे उसमें हम हैलोजन ग्रुप को कंप्लीट डिस्कस करें, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं।